तो स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोनिचुवा इंडिया में। दोस्तों हम सब परेशान हैं कि बॉलीवुड में कब ऐसा टाइम आएगा है कि भाई जिस मूवी की कहानी बिना देखे कोई नहीं बता पाएगा। तो हाँ दोस्तों, जिस तरीके से अभी आई थी बड़े मियां छोटे मियां और उसी के साथ साथ आई थी मैदान मूवी, उन दोनों में भाई एक घटिया एक बढ़िया, उन दोनों में बट एक ही सिमिलैरिटी थी कि भाई दोनों के ही टीजर को देख के आप पूरी कहानी उनकी जज कर सकते थे। बट फाइनली अब बॉलीवुड में अब ऑडियंस को इंतज़ार है कि भाई वो कुछ ऐसी स्टोरी लेके आएँ, कुछ ऐसा धमाका लेके आएँ कि भाई जब तक वो मूवी ना देखें हम कहानी गैस ही ना कर पाएँ। तो भाई बॉलीवुड में कहाँ गया वो टाइम कि जब भाई भूल भुलैया जैसी मूवी का नेक्स्ट सीन क्या होने वाला था कोई गैस ही नहीं कर पाता था, और फिर स्त्री क्या क्या कर सकती है ये भी भाई कोई जानता ही नहीं था। तो फाइनली दोस्तों इतने सालों बाद अक्षय कुमार, जो कि भाई हम लोग सोचते थे जिन्होंने अपना कमबैक करा है ओ माई गॉड मूवी के साथ, बट कमबैक तो था बट नेक्स्ट मूवी के लिए उन्होंने बिल्कुल नाश मार दिया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि एक भाई बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फ्लॉप मूवी गई है, और भाई अक्षय कुमार की जोली LLB टीज़र को देख के भाई ऐसा लग रहा है कि ये तो भाई कुछ धमाकेदार ही मूवी होने वाली है, क्योंकि क्योंकि इसमें आपको भाई कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा अक्षय कुमार और अरशद वारसी का। अक्षय कुमार की ये मूवी शायद से भाई बॉलीवुड में हुक्म का इक्का साबित हो सकती है, क्योंकि भाई इसमें है असली जॉली LLB यानी कि अरशद वारसी, और साथ ही साथ उनके साथ खड़े हो रहे हैं हमारे जॉली LLB 2 यानी कि अक्षय कुमार। वही बात करें जॉली LLB 2 की तो भाई उस मूवी ने करा था 200 करोड़ का धंधा, वो भी वर्ल्ड वाइड। तो भाई नो अनडाउटेडली भाई ये मूवी एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है, क्योंकि इस मूवी में वो दोनों आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। तो लेट्स सी भाई इसमें अक्षय कुमार क्या धंधा करने वाले हैं, क्या बिजनेस करने वाले हैं, और इस मूवी का कलेक्शन कितना होने वाला है ये तो भाई बिना देखे पता ही नहीं चलने वाला। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अरशद वारसी की, तो अरशद वारसी का जो कमबैक है वो ऑलरेडी 11 साल बाद हो रहा है, जो कि भाई अरशद वारसी के अगर कोई भी फैंस अगर हैं तो उनके लिए बहुत ही भाई हैप्पी न्यूज़ है उनके लिए। और साथ साथ अगर बात करें वही अक्षय कुमार की, तो उनकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो बिगेस्ट फ्लॉप थी उसके बाद अब आ रही है उनकी मूवी है जॉली LLB पार्ट 3। तो भाई सूत्रों के अनुसार पता चला है कि भाई जो ये जो मूवी का जो शूट है वो ऑलरेडी 40 डेज का जो शूट है ये हुआ है दिल्ली के एक्चुअल कोर्ट रूम में, और फिलहाल अभी जो शूटिंग इनकी जो चल रही है ये अभी फिलहाल शूटिंग चल रही है अजमेर की। तो भाई अजमेर वालों एक बार सावधान हो जाओ कि भाई अजमेर का ऐसा कौन सा केस है जो कि भाई ये हाईलाइट होने वाला है इस मूवी के। बात करें अगर मूवी की डायरेक्टर की, तो भाई मूवी का डायरेक्टर वही सेम है जो कि लास्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 के मूवी के डायरेक्टर से, और सिद्धार्थ शुक्ला जी अगेन भाई वही पर्सन है जो कि भाई कोर्ट के जज बन के बैठे हुए हैं, जिनके बिना भाई जॉली LLB 1 और जॉली LLB 2 अधूरी थी। तो फिलहाल इनके टीज़र में उनको भी देखने को मिला है, तो एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है सब जॉली LLB मतलब के फैंस के लिए। तो आई होप भाई आपको ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो भाई बिना किसी बकचोदी के एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बार इसके टीज़र को प्ले करते हैं आप लोगों को। तो भाई लोग मूवी के टीज़र को चालू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसके रिलीज डेट बता दूं। जो मूवी की जो रिलीज डेट थी वो कि भाई प्री प्लान थी कि वो 2025 में आने वाली है, बट ड्यू टू सम रीजंस भाई ये मूवी की जो रिलीज डेट है वो ऑलरेडी प्रीपोन्ड हो चुकी है, यानी कि वो 2024 के क्रिसमस को भाई ये मूवी रिलीज होने वाली है। तो भाई मेक श्योर आप जाके देखना ना भूले कि भाई इस बार कोर्ट रूम में जब दोनों जोली आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे तो कौन से केस भाई वो बवाल मचने वाला है, और इस मूवी में आपको इतना मज़ा आएगा भाई कोई हद नहीं। मतलब अक्षय कुमार के फैंस जिनको ये लगा था कि भाई अक्षय कुमार ने ओ माय गॉड सेकंड मूवी में आके कमबैक कर लिया है, देन अगेन उन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी देखे भाई जो बवंडर करा था, उसके बाद अगेन लेट्स सी उनका जॉली LLB 3 का रिस्पॉन्स क्या रहता है। उसका छप्पर रात का है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। सैलरी तो दी नहीं जा रही उनसे, छोटे लग छोटी बात है। तो कैसा लगा भाई आपको ट्रेलर इस मूवी का, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि भाई ये मूवी एक हिट मूवी रहने वाली है फ्लॉप मूवी रहने वाली है।
तो आप बताओ, मतलब ट्रेलर में इन्होंने कुछ ज़्यादा मतलब इन्होंने हाईलाइट तो नहीं करा। एक बार तो यार यही सीन है कि जब तक मूवी देखेंगे नहीं तो कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो ट्रेलर में मतलब बिल्कुल भी मैं गेस नहीं कर पा रहा कि किस मतलब है तो कोई ना कोई तो भाई बड़ा कांड है जो ये मूवी को मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। बट ये मूवी ऑलरेडी लाइक बहुत ही बढ़िया सस्पेंसफुल मूवी रहने वाली है ऐसा मैं फील करता हूँ। तो भाई कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी ओपिनियन है, जो भी राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करो। And I hope you like the video. So thank you so much guys. We'll come back again with a new video. Bye bye.